यहाँ पर वाटर पुलिस जा रही है अपने मिशन पर। आप में से कुछ लोगों ने लिखा था कि ये बड़ा बेकार टाइम होगा नया ट्रैवल व्लॉगिंग चैनल खोलने का, क्योंकि आज के दिन COVID-19 की वजह से ट्रैवल तो पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज दुनिया भर के लिए सच है, लेकिन यूरोप के अंदर अंदर ऑलमोस्ट हर कंट्री में यहाँ पर केसेस इतने नीचे आ चुके हैं कि यहाँ पर बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं। इनफैक्ट कंट्रीज ट्रैवल को प्रमोट करने लग रही हैं कि आप इधर से उधर जाकर ट्रैवल करो इस समर, क्योंकि हमें ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट देना है और जो स्लो डाउन आ गया है COVID-19 की वजह से, उसके लिए इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो अभी आज ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 1 घंटे में घर से निकलना है, फ्लाइट है। एक टाइम पे इटली वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से था। आज आप देख सकते हो डेली न्यू केसेस का ग्रोथ रेट कितना कम हो गया है, दिन के अब 100-200 केसेस ही आने लग रहे हैं। अभी पैकिंग शुरू करते हैं। ये मेरा गैजेट बैग है, यहाँ पर कैमरा जाएगा और सारे बाकी जो भी इक्विपमेंट है कैमरा से रिलेटेड। 8 दिन यानी 8 चड्डी बनियान और 8 सॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन टी शर्ट्स तो मेरे पास 5 ही हैं, ग्रे, ग्रीन ग्रे, लाइट ब्लू ग्रे, रेड ग्रे और डार्क ब्लू ग्रे। तो ये है दोस्तों मेरी पहली फ्लाइट जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक फैला है। कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जो एक्सपेक्ट किया था कि मतलब एयरपोर्ट पे हमेशा मास्क पहने रखना है, फ्लाइट में हमेशा मास्क पहने रखना है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। और बस यही चीज़ डिफरेंट लगी मुझे, बाकी जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे कुछ ज़्यादा कम लोग नहीं हैं। और 2 फॉर्म दिए हैं फ्लाइट में कि एक तो इटली में उतर के देना है, कि इटालियन गवर्नमेंट को कहते हो कि सेल्फ डिक्लेयर करना है COVID-19 हमें नहीं है, और एक दूसरे फॉर्म में यहाँ पर हमें फ़्लाइट में ही देना है कि हमें COVID-19 नहीं है, और अपना एड्रेस डालना है कि जहाँ भी हम इटली में रहेंगे अगर COVID-19 हो गया अपने सिम्टम्स को रिपोर्ट करेंगे तो हमें ये ट्रेस कर सकें हम कि हम कहाँ पर रहते हैं। तो ट्रैवल करते वक्त जो भी होटल होगा उसे इस फॉर्म में लिखना है। This looks like a separation of the ocean, but essentially just a boat. पर वहाँ दूर आप देख सकते हैं शहर जहाँ हम जा रहे हैं। What okay. time is it? Finally, दोस्तों अब हम होटल पहुंच चुके हैं। बड़ा लंबा रास्ता था, और वैसे मैं जब हम की बात करता हूँ आपको पता ही होगा दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं ट्रैवल करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो मेरे को मदद करती है व्लॉग्स बनाने में और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स की भी शूटिंग करने में भी। उसका नाम क्या है और आइडेंटिटी क्या है मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता प्राइवेसी रीजंस की वजह से, और वो खुद भी अभी कंफर्टेबल नहीं है। तो जब कभी फ्यूचर में अगर वो कंफर्टेबल होगी तो हम देखेंगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी मेरे को कल एक वीडियो रिलीज करना है, तो थंबनेल बनाता हूँ मैं और रेस्टोरेंट सर्च करने हैं खाना खाने के लिए रात को। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट देखता हूँ कोई आसपास मिलता है तो। कमाल है, ये देखो मैंने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लिखा गूगल पे और पहला रिजल्ट जो आ रहा है इसी में इतनी मीट आने लग रही है क्या बताऊँ। लगता है पिज्जा पास्ता खाकर ही काम चलाना पड़े। ये वाली बोट्स वैसे इतनी महंगी है, यहाँ पर एक एक बोट राइड लेने का प्राइस है 80 यूरोस सिर्फ बोट में बैठ के घूमने का। ऐसा लगता है यहाँ पर चिड़िया को बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं जितनी पास जाता हूँ ये थोड़ा सा उधर खिसक लेती है। जितने आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं पीछे लाइन में लगे हुए हैं, कम से कम 5-6 रेस्टोरेंट हैं और सबका मेन्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम, सब में पिज्ज़ा पास्ता
और वही सेम डेजर्ट्स मिल रहे हैं, किसी में भी बैठ जाओ कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये इटालियन पिज़्ज़ा डोमिनोज पिज़्ज़ा के कंपैरिजन में। मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ इसे थोड़ा सा। जो बादल हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने स्काई पे पेंट किया, इतने फेक लगने लग रहे हैं ये। यहाँ गलियों में चलते चलते बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं आसपास की दुकानों में, जैसे कि ये देखिए, ये जो ये स्वेटर सी है इसका प्राइस है यहाँ पर 2590 यानी 2.5 लाख रुपए करीब करीब। सूट का प्राइस है 1 लाख रुपए। ये गेस कीजिए, 1 लाख रुपए में करीब करीब क्या हो सकता है ये? सिर्फ एक चुन्नी सी। ये मच्छर देख रहे हो दोस्तों, इसके और इसके दोस्तों ने बहुत खून पिया मेरा रात को। ये देखो लाल 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 भरा हुआ दिख रहा है इसके नीचे, मेरा ही खून है वो। मजाक भी नहीं कर रहा, रात को मैं खिड़की खोलकर सोया, मैंने सोचा अच्छा आइडिया होगा, फ्रेश हवा आएगी इस खिड़की से, एसी ऑफ किया। मुझे पहले सोच लेना चाहिए था कि नीचे कैनाल है तो मच्छर तो होंगे यहाँ पर। सारी रात मेरे को काटते रहे, रात को 2 बजे उठ के मुझे खिड़की बंद करनी पड़ी, और इन मच्छरों की वजह से इस वीडियो अपलोड करने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं सुबह 8 बजे सोकर उठा, और यहाँ पर इंटरनेट भी इतनी तेज नहीं है कि वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाए, काफी टाइम लगा रहा है, तो बदला लेना पड़ेगा इस मच्छर से। अब इस चीज को मैं व्लॉग पे कैप्चर करूं या ना करूं, अगर करूंगा तो ये मच्छर एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा, शायद हाथों से निकल जाए। चलिए ट्राई करते हैं। ये देखो कितना आलसी मच्छर है, मतलब फाइनली YouTube वीडियो अपलोड हो गया है, रिलीज करते हैं हम। ये देखिए, नो व्यूज, जीरो कमेंट्स, जल्दी से वो कर देता हूँ जो हर कोई करना चाहता है बड़ी बेसब्री से। यस, ऑलमोस्ट 1 बजने को हो रहा है दोस्तों, वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, बहुत बाहर जाने का मन है यहाँ पर लेकिन टाइम नहीं है, एक और वीडियो शूट करना है आज। मैंने सोचा इस लोकेशन में नेक्स्ट वीडियो शूट किया जाएगा। वैसे याद है आपको दोस्तों, मैंने कल व्लॉग में कहा था कि यहाँ पर सरकारें प्रमोट कर रही हैं टूरिज्म को, टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए लोगों को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आप जाकर ट्रैवल करो यूरोप के अंदर अंदर कहीं पर। तो इंसेंटिव्स किस फॉर्म में दिए जा रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई जगहों पर वाउचर्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि एक जगह है कालाब्रिया, यहाँ पर 80 यूरो दिए जाएंगे एक इंडिविजुअल को, 160 यूरो दिए जाएंगे सरकार की तरफ से 2 लोगों को, कि आप उस वाउचर को यूज कर सकते हो कहीं भी ट्रैवल करने के लिए यूरोप के अंदर अंदर। सिमिलर चीज करी जा रही है मार्चे जो रीजन है, वहां पर एक वन ऑफ पेमेंट दी जाएगी 50 यूरो पर पर्सन, आप उस 50 यूरो को कहीं भी यूज कर सकते हो ट्रैवल करने के लिए। तो सरकारें बेसिकली पैसे देने लग रही हैं अपने सिटीजन्स को कि जाकर ट्रैवल करो आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और जिस होटल में मैं आज रुका हूँ यहाँ पर भी एक ऑफर है, ऑफर ये है कि आप 2 रातें रुकोगे तो 3री रात फ्री है। ये है मेरे आज के वीडियो का सेटअप, यहाँ पर बैठूंगा मैं, ये टेबल है और ये कैमरा है, मैंने अभी अभी बनाया है ये पूरा सेटअप। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो की शूटिंग। 3 hours later। ये जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना खाली पड़ा है। हमने यहाँ पर वेटर से जाकर पूछा रेस्टोरेंट में, वो कह रहे हैं कि आमतौर पर जितने टूरिस्ट आते हैं उसके सिर्फ 2-3% आए हों, आमतौर मतलब कोरोना वायरस से पहले का जो टाइम था, इतने कम यानी 98% रिडक्शन है टूरिस्ट में। वो कहते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं और कहीं भी रेस्टोरेंट जो वेनिस में मौजूद हैं उनमें आपको हफ्तों पहले बुकिंग करानी पड़ती है, तब जाकर उनमें सीट मिलती है। और आज ये पूरी चेयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली पड़ी हैं दूर दूर तक। चलिए चलकर देखते हैं इस टावर के ऊपर।
गए हैं दोस्तों, काफ़ी पुरानी यादें हैं मेरी यहाँ पर। मैं 10 साल पहले भी वेनिस आया था और एग्जैक्टली मुझे याद है इसी एरिया में ये जो कबूतर हैं इन्हें खाना खिला सकते हैं लोग, और ये बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, आपके हाथों पर आकर बैठ जाते हैं। As soon as I do this, they start coming loose. Let's see who gets this first. Oh my god! सबसे ज़्यादा यहाँ मज़ा आता है गलियों में घूमने में। बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं और अच्छे से कैनाल्स बने हुए हैं, गलियों को देखकर ओल्ड दिल्ली की याद आ जाती है। Okay, so we're having a problem here and we need your help, so he doesn't really know how to vlog. He's not really sure what to include and what people want to see, so let us know in the comments what do you want to see. That sounds so fake.